हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड में कट दिया है। अब पहले अभी हम ऊपर आधे इंच का मार्जिन ले लेंगे सिलाई में जो कपड़ा जाएगा उसके लिए। अब हम इसके नीचे से ब्लाउज़ के लेंथ का निशान लगा लेंगे। हम आगे की तरफ से एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारा ब्लाउज़ का नाप 13.5 इंच है तो हम 14.5 इंच लेंगे और उसमें आधा इंच हम नीचे की तरफ से फोल्ड के ले लेंगे। तो ये हम 15 इंच में निशान लगा लेंगे। हम ये फोल्डेड वाली साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे। हम डीप नेक बना रहे हैं इसलिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ये यहाँ से नीचे की तरफ 6 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी आपके चेस्ट का नाप है उसका 1/4 करके उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए ले लें। अब हम ये आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पीछे के लिए और 1 इंच आगे के लिए। अब हम ये 3 इंच पे गले की चौड़ाई का और 7 इंच पे गले की गहराई का निशान लगा लेंगे। अब हम ये ऊपर से 10 इंच पे प्लेट का निशान लगा लेंगे और इधर से 4 इंच पे। प्रिंसेस कट के चौड़ाई के लिए यहाँ पे हम ये 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। जैसे कि 2 इंच कपड़ा हमारा प्रिंसेस कट में आ जाएगा तो हम यहाँ से कपड़े को बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने ये 2 इंच में निशान लगा लिया है और जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई में आएगा उसके लिए भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लिया है। यहाँ से भी हम मार्जिन के लिए कपड़ा बढ़ा देंगे। और यहाँ से हम इस तरीके से प्रिंसेस कट के लिए गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे और इस तरफ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम ये पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमने आगे के पार्ट में तीरा और आर्म होल का निशान लगाया था उसी तरीके से हम पीछे की तरफ भी लगा लेंगे। ये
पीछे के पार्ट के लिए हम 1.5 इंच की गोलाई ले लेंगे। अब इस तरीके से जो हमने लाइनिंग वाले कपड़े पे कटिंग की है उसको हम मेन फैब्रिक पे रख के उसकी भी कटिंग कर लेंगे। पीछे के पार्ट में भी अब हम प्लेट डाल देंगे। ये ऊपर से 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और सेंटर से हम 4 इंच की दूरी पे ये दोनों निशान लगा लेंगे और इन्हें इस तरीके से नीचे मिला लेंगे। अब हम ये स्लीव्स कट करेंगे। ये हम 3 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।